क्या दबंग खान सलमान को महसूस हो रहा है जिंदगी में अकेलापन? जीवन साथी ना होने का सता रहा है सलमान को गम? शादी नकारने से परेशान हुए सुल्तान सलमान खान। अब ऐसा हम तो नहीं बल्कि सलमान खान के एक खास और करीबी दोस्त कह रहे हैं। जी हाँ, सलमान के दोस्त और को स्टार महेश मांजरेकर ने सलमान की शादी को लेकर कुछ बड़े खुलासे कर दिए हैं। अब ये सवाल तो हर कोई जानना चाहता है कि सलमान की शादी कब होगी। सलमान के फैंस तो इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि कब उन्हें भाईजान की शादी देखने को नसीब होगी। अब ऐसे में सलमान के दोस्त महेश मांजरेकर ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि सलमान को अब कोई साथ चाहिए। महेश ने कहा कि मैं कई बार उससे ऐसी बातें कर लेता हूं जो बाकी लोग नहीं कर पाते। मैं सलमान से कहता हूं कि तू शादी नहीं करता और मुझे इस बात से दिक्कत होती है क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो शादी करें। मैं तो आने वाले समय में सलमान का बेटा देखना चाहता हूं, लेकिन आधे से ज्यादा बार वो मेरी बातों को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसे जिंदगी में किसी का साथ चाहिए। उनकी लाइफ में ऐसा कोई होना चाहिए जिसके साथ सलमान अपने सुख दुख बांट सकते हैं। महेश ने आगे कहा कि जब मैं उसे देखता हूं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो बाहर से जितना खुश है उतना ही वो अंदर से परेशान है। वो अंदर से काफी अकेला महसूस करता है। एक तो उसके कोई शौक नहीं है, आपको भी मालूम होगा कि वो एक बेडरूम के फ्लैट में रहता है। जब भी मैं उसके घर में जाता हूं तो आधे से ज्यादा समय मुझे ड्राइंग रूम में सोफे पर लेटे हुआ मिलता है। मैं सोचता हूं कि ये आदमी इतना सक्सेसफुल है लेकिन अंदर से इसमें भी एक टिपिकल मिडिल क्लास आदमी ही है। इस इंटरव्यू में महेश ने ये भी बताया कि यूं तो सलमान के काफी सारे दोस्त हैं और वो सभी सलमान से प्यार करते हैं। सलमान के भाइयों अरबाज और सोहेल की भी तो अपनी लाइफ है, हमेशा तो वो सलमान के साथ नहीं रह सकते, उन्हें वापस जाना होता है। ऐसे में सलमान किसके साथ जाए, उन्हें भी कोई चाहिए जिसके साथ वो कम बैक कर सके। अब महेश की इन बातों से तो ऐसा लगने लगा है कि वाकई सलमान को अब शादी कर ही लेनी चाहिए। वैसे आपको बता दें कि सलमान खान 55 साल के हो गए हैं। सलमान की शादी की बात सालों से पब्लिक इंटरेस्ट में टॉप पर रही है। जब भी सलमान किसी पब्लिक इवेंट, पार्टी या शो में शामिल होते हैं तब उनसे एक बात हमेशा पूछी जाती है कि वो शादी कब करेंगे। ऐसा नहीं है कि सलमान की जिंदगी में कभी कोई लड़की नहीं रही, लेकिन सलमान का रिश्ता हमेशा रिलेशनशिप तक आकर ही टूट गया। फिर चाहे वो ऐश्वर्या राय रही हो या संगीता बिचलानी या फिर कैटरीना कैफ। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सलमान के वैसे तो कई एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर रहे हैं लेकिन उन्होंने आज तक किसी से शादी नहीं की है। गौरतलब है कि सलमान से जब भी शादी का सवाल पूछा जाता है तो वो उसे हंसी मजाक में टाल देते हैं। 55 साल के सलमान को देखकर अब तो यही कहा जा सकता है कि उनका शादी का कोई मूड नहीं है। हालांकि इन दिनों ऐसी चर्चा है कि सलमान खान मॉडल और एक्ट्रेस यूलिया बेंतूर के साथ रिलेशनशिप में है। वैसे तो अभी तक दोनों ने ही पब्लिक के सामने खुलकर अपने रिश्ते का इजहार नहीं किया है, लेकिन बीट टाउन के गलियारों में ये बात फैली हुई है कि सलमान यूलिया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। इस बात का सबूत यही बात देती है कि लॉकडाउन के दौरान पनवेल फार्म हाउस में यूलिया पूरे वक्त सलमान के साथ रही थी। हाल ही में दोनों को रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में भी साथ में देखा गया था। अब ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट E24।